रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद मैनपुरी में चंद दिन पहले छुट्टी काटकर अपनी ड्यूटी करने पहुंचे सैनिक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत ने लोगों को झकझोर दिया है। पैतृक गांव में सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरा क्षेत्र अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां ग्राम बरहिया निवासी यदुवीर सिंह वर्ष 2002 में भारतीय सेना में सैनिक के पद पर भर्ती हुए थे। सैनिक यदुवीर की ड्यूटी इस समय पठानकोट में थी, जहां उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घर में सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पठानकोट से सैनिकों की एक टुकड़ी सैनिक का पार्थिव शरीर लेकर ग्राम बरहिया पहुंची, तो समूचा क्षेत्र सैनिक के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। मैनपुरी से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। मेरा नाम लवी है, लवी यादव। लवी, कौन सी क्लास की छात्रा हो? क्लास 8th में। अच्छा, ये बताओ पापा से कब बात हुई थी आपकी? मैं स्कूल जा रही थी तब मेरे पापा से मेरी बात हुई थी। मैंने बोला था पापा मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। पापा ने बोला तुम मेरे शेर बच्चे हो, तुम स्कूल जाते हो, अच्छी बात है बेटा तुम रोज स्कूल जाना। अच्छा, तो ये क्या क्या बताया पापा ने, मतलब आने के लिए कब बोला था, कब आएंगे? अभी तो गए थे 14 अगस्त को। अच्छा अच्छा, पापा बहुत अच्छे से थे वहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है आपको? लगता क्या है, आप वहाँ पे फौजी लोग थे वो जाने, मेरे पापा मेरे लिए, मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब पापा जब आए थे आपके पास क्या लेके आए थे आपके लिए? मेरे लिए कब, अभी तो पापा अभी जब आए थे तब कुछ लेके, मेरे लिए मेरा बर्थडे था, मेरे पापा मेरा बर्थडे मना के गए थे, मुझे विश करके गए थे मेरे पापा। ठीक है, यदुवीर की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा, आप लोगों को कैसे पता चला? वहाँ से फोन आया है वही पता चला। क्या बताया? उन्होंने कहा सुसाइड कर ली, सुसाइड ऑन ड्यूटी पे। तो कोई मानसिक टेंशन थी या क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि सुसाइड किया है या किसी ने हत्या की है? सुसाइड तो नहीं की होगी बेचारी। आपने कोई आपत्ति जताई या उन अधिकारियों से बातचीत की? वो भाई गए हुए वहाँ। अच्छा, तो आपको ये आत्महत्या लग रही है, हत्या लग रही है? हत्या लग रही है। हत्या, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। तो आपकी कब बात हुई थी, ये आपका रिश्ते में कौन है जो खत्म हुआ? भतीजा सगा। भतीजा, तो इससे कब बात हुई थी आपकी पहले? अभी हुई थी, रक्षाबंधन से पहले हमारी बात हुई। अच्छा, मिले बैठे रहे हम लोग। अच्छा, कभी उन्होंने कुछ बताया हो? कोई बात नहीं बताई, टेंशन वाली, वैसे अपनी खेती बाड़ी सब समाचार पूछते हैं। अच्छा, आप उस समय पोस्टिंग थी पठानकोट? अच्छा, आपको लगता है कि उनकी हत्या की गई? हाँ जी। ठीक, आज शहीद का सब उनके गांव पहुंचा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या घटनाक्रम रहा? सर, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड 9 बटालियन के नायक जगवीर सिंह, ये बटालियन के सबसे माने हुए एनसीओ थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अचानक ड्यूटी के दौरान इनका हादसा हो गया। एक काफ़ी अच्छे इंसान और इनके काम इतने अच्छे, और जिसकी वजह से आज बटालियन ने, पूरे देश ने कल शोक मनाया, उसकी वजह से आप लोगों ने देखा यहाँ पर। ये कहाँ तैनात थे? और ये पठानकोट मामून कैंट के पास हरियाल गैरेजन में तैनात थे। तो ये कैसे, क्या घटना रही? ये ड्यूटी के दौरान खुदा रखा हादसा हो गया था। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।